दोस्तों, अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी। इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है।
दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूथ प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी 2 घंटा 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी है, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा, और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूथ प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,
दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी। इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूथ प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है,
दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है।
दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूत प्रभु, सुनैना, जे महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल
पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप इसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर रूत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का
75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को दो बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रोथ प्रभु, सुनैना, जे महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी है, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में।
तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर रूत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां
दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है।
बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी है जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा, और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां
दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रूथ प्रभु, सुनैना, जे महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाती हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है।
दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जे महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थालापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांथा रोथ प्रभु, सुनैना, जे महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी है, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है। थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल
पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप इसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थलापति विजय की मच अवेटेड मूवी थेरी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी थेरी, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 77% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 7.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 81% पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको थलापति विजय, एमी जैक्सन, दिव्या सासा, समांतर उत प्रभु, सुनैना, जय महेंद्रन आदि कलाकार अहम भूमिका निभाती हुई नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 37 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 75 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमार की दूसरी निर्देशित फिल्म थी, जिसकी सफलता में विजय को निर्देशित के साथ काम करने के लिए काफी प्रभावित किया है। एटली ने स्क्रिप्ट लिखी, जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, और सितंबर 2014 में एक अप्रोचिक घोषणा की गई कि जून 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन कार्य और एक औपचारिक लोन समारोह के बाद जुलाई से शुरुआत में चेन्नई में फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में फिल्म कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को 2 बार रोका गया है। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थिति का मतलब था कि टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का अपना विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई है।
थेरी को 14 अप्रैल 2016 को आलोचनाओं से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप ऐसे एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।